बरियारपुर चालक उपचालक एवं मालिक संघ द्वारा आज बरियारपुर खड़गपुर रूट में चलने वाली सभी दोपहिया चार पहिया वाहनों के संचालकों ने एकमुश्त होकर आज ग्रामीणों से काम करने का गुजारिश की। उन्होंने कहा, आए दिन स्टैंड संचालकों द्वारा हमें धमकी मिलती है कि लोकल वाहन को हम नहीं चलने देंगे, बाहर के गाड़ी ही चलाएंगे, जिस संबंध में इन्होंने एक संगठन खड़ा कर लिए। इस संगठन का नाम होगा बरियारपुर खड़गपुर वाहन मालिक चालक संघ बरियारपुर, जिनके अध्यक्ष होंगे भीष्म कुमार यादव उर्फ लालू, सचिव होंगे संजय कुमार, कोषाध्यक्ष होंगे संतोष कुमार। सबों ने मिलकर एकमुश्त इस कार्य का प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि आए दिन जब हम लोगों पर अत्याचार होते आ रही है, तब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, क्या कार्य कर रहे हो आपके यहाँ? स्टैंड जो सरकारी रेलवे स्टेशन से संचालित होती है, उसका संचालन करता हमें बार बार धमकी देते हैं कि तुम्हारी गाड़ी को नहीं चलने। मैंने अपने आप में एक निर्णय कर लिया है कि वाहन वहीं से चलाऊंगा, परंतु अगर किसी तरह का बाधाएं आएगी तो उससे टकराने के लिए हम लोग एक कोष गठन करेंगे, जहां सारे लोग इसमें सम्मिलित होंगे। गुप्त न्यूज के लिए बरियारपुर से नरेश आनंद की रिपोर्ट। सामना करना पड़ता है, इसलिए जो है कि हम लोग एकत्रित होकर के जो है इस विद्रोह का जो है ना समाप्ति करेंगे, विरोध करेंगे, और हम अपना जो है सुचारू रूप से हमारी गाड़ी कैसे चलेगी स्टैंड से, इसके लिए हम लोग अपना आपस में समझौता करके बस बैठा करके जो है अपना गाड़ी को चलवाएंगे। तो एक चीज बताइए कि स्टैंड मालिक के साथ हो रहा है ऐसा? स्टैंड मालिक नहीं, स्टैंड का कर्मचारी जो होता है, आए दिन हम लोग को कभी बोलता है 100 रुपया भी देंगे, तो कभी बोलता है कि बाहरी गाड़ी को ही चलाएंगे, यहाँ का गाड़ी को नहीं चलने देंगे, यहाँ का गाड़ी कभी ओनर को मारता है, कभी ड्राइवर को मारता है। तो आप ये बताएं कि स्टैंड मालिक वाहन संचालक स्टैंड जो है उसके विरुद्ध में आप लोग बोल रहे हैं? हम उसके विरुद्ध में अपना जो है संगठन को तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद।